हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल KBNBS एंड CBSE। यह है क्लास फिफ्थ की हिंदी की बुक रिमझिम, और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा पार्ट, नन्ना फनकार। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मझोला था, वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौंचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था।
बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं भी सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने से किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अब भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस तरह इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़ा हुआ, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही।
वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों से सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि बादशाह जब अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझाए, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है।